लव नेक्स्ट डोर एपिसोड 2 की शुरुआत में हम देखते हैं सियोकरू और सियोंगो एक शॉप में बर्तन धो रहे थे। ये काम सियोकरू का होता है मगर वो सियोंगो को भी अपने साथ जबरदस्ती काम करवाती है। बर्तन देखकर सियोंगो वहाँ से जाने लगता है तो सियोकरू उसके पैर पकड़ लेती है और उसे रुका लेती है। वो रिक्वेस्ट करती है कि वो उसकी मदद करें। फिर रात में वो दोनों एक क्राफ्ट शॉप जाते हैं जहाँ से सियोकरू कुछ ग्लिटर स्टिकर्स खरीदती है। कुछ दिन बाद वो अपनी मॉम को एक गोल्ड ब्रूच गिफ्ट करती है जिससे उसकी मॉम बहुत खुश हो जाती है। मगर प्रेजेंट में उसकी शक्ल देखकर उसकी मॉम बिल्कुल खुश नहीं होती। नाश्ते के वक्त सियोकरू नीचे आती है मगर मीसुक उसे नाश्ता नहीं देती। सियोकरू खुद लेने लगती है तो उसकी मॉम कहती है, कल रात तुमने जो कहा था क्या वो वाकई सच था? रात में सियोकरू अपने मॉम से कहती है, मैं बोर हो गई थी इसलिए मैंने काम छोड़ दी और फिर मैंने सोची क्या मैं अपनी शादी से भी इतनी जल्दी बोर हो जाऊंगी, इस वजह से मैंने वो भी तोड़ दी। मीसुक कहती है, तो आगे तुम्हारे पास कोई प्लान है? सियोकरू कहती है, ऑफ कोर्स, सबसे पहले मैं अपना अलार्म बंद करके जब तक सोऊंगी जब तक मेरी नींद खुद से ना खुले और फिर मुझे बहुत सारा अच्छा कोरियन खाना भी खाना है। मीसुक उसे राइस बाउल लेते हुए कहती है, यही करना है तो चली जाओ यहाँ से। तभी बेल बजती है। डोंगजिन देखता है तो वहाँ सियोंगो और मोइम होते हैं। सियोंगो आते साथ मीसुक के पास जाता है और मोइम सियोकरू को चेक करने लगती है, कहीं उसे कुछ हुआ तो नहीं। मीसुक कहती है, तुम तो ऐसे कर रही हो जैसे मैं उसे जान से मार देती। मीसुक सभी को नाश्ता करने कहती है। वो सभी को राइस देती है मगर सियोकरू को नहीं देती। मोइम सियोकरू को अपनी राइस दे देती है। सियोकरू सियोंगो से भी मांगती है मगर वो नहीं देता। कुछ देर बाद डाइनिंग टेबल पर ही डोंगजिन और सियोकरू बाल पकड़कर लड़ने लगते हैं। ये देखकर मीसुक को बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से चली जाती है। अब सियोकरू वॉशरूम में होती है। मोइम उसके पास जाकर कहती है, सच बताओ क्या हुआ था? तुमने अपनी एंगेजमेंट क्यों तोड़ी और जॉब क्यों छोड़ दिया? सियोकरू कहती है, मेरी मॉम ने भेजा है ना तुम्हें? मोइम कहती है, हाँ मगर मुझे भी जानना है तुम जैसी लड़की ऐसा क्यों कर रही है जो लाइफ में सब कुछ परफेक्ट रखती है, अचानक से वो सब छोड़कर यहाँ क्यों आ गई? तभी सियोंगो वहाँ आता है। वो उन दोनों की बातें सुनने लगता है। मोइम सियोकरू से जबरदस्ती कर रही थी सब बताने के लिए। तभी वो देखती है उसके जाने का टाइम हो गया है और वो वहाँ से चली जाती है। सियोकरू वापस से लेट जाती है। सियोंगो कहता है, तुम यहाँ सोई थी? इतने स्टोरेज में तुम कैसे सो सकती हो? सियोकरू कहती है, यहाँ आओ एक बात बताना है। सियोंगो जैसे ही आता है सियोकरू उसका गला दबा देती है और कहती है, तुमने कल रात मेरे साथ गद्दारी की थी ना? सियोंगो की सांस फूलने लगती है मगर सियोकरू उसका गला नहीं छोड़ती। तभी मीसुक आ जाती है और वो सियोकरू को मारकर सियोंगो को छुड़ाती है। कुछ देर बाद मीसुक सियोकरू से कहती है, सियोंगो के साथ उसके ऑफिस जाओ ये राइस केक लेकर। वो सियोंगो से कहती है, ये अपने आस पास बांट देना। कुछ देर बाद सियोंगो और सियोकरू ऑफिस पहुँचते हैं। सियोंगो कॉल पर बिजी हो जाता है तो मियोंग सियोकरू से कहता है, तुम्हें थोड़ा वेट करना होगा। सियोकरू कहती है, कोई बात नहीं, मैं तो बस मेरी मॉम के भेजे हुए राइस केक लेकर आई थी। मियोंग कहता है, तुम सियोंगो की बचपन की दोस्त हो? मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। तभी नायुन आती है। वो कहती है, तुम सियोंगो को बचपन से जानती हो ना, मुझे उसके बारे में बता सकती हो? सियोकरू कहती है, ज़रूर, ये सब 1995 के समर में शुरू हुआ था। मैं बाहर से खेलकर घर आई थी तो देखा एक लड़का मेरे घर के बाहर अपनी मॉम के साथ खड़ा है। वो सियोंगो ही था। उसे कोरियन बोलने नहीं आती थी। मैंने उस लड़के की बहुत मदद की है। उसकी मॉम काम करने लगी और मेरी मॉम बेबी सिटिंग का काम करती थी इसलिए वो मेरे घर पर ही रहता था। तब से मैंने उसका ख्याल रखा है। मैं उसे बेबी की तरह संभाला करती थी। सियोकरू सियोंगो से कहती है, बेबी क्या तुम्हें वॉशरूम जाना है? वो उसकी मदद करती है। सियोकरू कहती है, मैंने बचपन से ही उसके हाइजीन का ख्याल रखा है। मैं हमेशा उसे अपने खाने में से वेजीज दे देती ताकि उसे सारी न्यूट्रिशन मिले। फिर मैंने बाकी दोस्तों से भी उसकी दोस्ती करवाई ताकि वो सबसे घुल मिल सके। मैंने उसे पैसों को कैसे इस्तेमाल करना है वो भी सिखाया। तुम लोग कह सकते हो कि मैंने ही उसे पाला है। तभी सियोंगो आता है। वो कहता है, तुम झूठी बातें क्यों फैला रही हो?
इसने जो कहा है सब झूठ है। ये जो लड़की है ये मेरी जिंदगी की पहली लड़की थी जो मेंटली पागल थी। स्योंगो असली कहानी बताता है। जब वो स्योकरो से मिला था तो वो बहुत गंदी थी। उसके चेहरे पर हमेशा कुछ ना कुछ लगा होता था और जब भी वो अकेले खेलने की कोशिश करता था तो स्योंगरो उसे बहुत सताती थी। वो जब भी अकेले वॉशरूम जाता था तो स्योंगरो दरवाजा खोल देती थी। इसे राइस में बीन्स बिल्कुल नहीं पसंद थे तो ये सब मुझे दे दिया करती थी और कहती थी बच्चों को इतना खाने में नाटक नहीं करना चाहिए। जब खेल में पकड़ने वाला कोई नहीं होता था तो ये मुझे तब गेम में लेती थी। इतना ही नहीं, इसने तो मेरे सारे पैसे भी चुरा लिए थे। ये सब सुनकर म्योंग और नायुन बहुत हैरान हो जाते हैं और उन्हें भरोसा ही नहीं होता कि स्योकरो ऐसी थी। वहीं मीसुक मार्केट जाती है तो वहाँ वो औरतों की बातें सुनती है जो स्योकरो और उसके बारे में बुरा भला कह रहे थे। उसे बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से में जयसुक के ऑफिस आती है और उसे सब बताती है, सारे लोग कैसे स्योकरो को बुरा भला कह रहे हैं। जयसुक बताती है हेसुक ने तो उन सभी औरतों को स्योंग्यो के सेरेमनी में भी बुलाया है। ये सुनकर मीसुक थोड़ा डर जाती है। वहीं स्योकरो अपने छत पर लेटी होती है। वो सनसेट देखती है और फिर वहीं अपने लिए खाने कुछ बनाती है। तभी मुइन वहां आ जाती है। वो स्योंगो को भी कॉल करके बुलाती है मगर वो मना कर देता है। वहीं मीसुक ड्रिंक कर रही होती है। वो गुस्से में अपने हस्बैंड से कहती है मुझे स्योकरो का चेहरा भी नहीं देखना, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, कम से कम तुम तो उससे बात करो। मगर वो मना कर देता है। वो कहता है उसे कुछ वक्त के लिए ऐसे ही रहने दो। वहीं स्योकरो और मुइम डिनर कर रहे थे तभी स्योंगो भी वहां आ जाता है। मुइम कहती है अब सब आ ही गए हैं तो क्यों ना खाने के साथ हम ड्रिंक भी कर लें। मुइम ड्रिंक लेने चली जाती है। स्योकरो कहती है तुम बिजी थे ना, उस वक्त तुम्हें देखकर लगा कोई बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। स्योंगो का एक काम डिले कर दिया जाता है पैसों की वजह से। इस वजह से वो लोग परेशान हो जाते हैं। स्योंगो कहता है नहीं कोई बड़ी बात नहीं है, पर तुम कब तक अपने अंदर रखोगी, 2 दिन हो गए हैं, सब तुमसे पूछ रहे हैं, पर तुम क्यों नहीं बता रही। स्योकरो कहती है क्या तुम भी अभी पूछने वाले हो। स्योंगो कहता है नहीं। स्योकरो कहती है वैसे भी मैं तुम्हें नहीं बताने वाली। स्योंगो कहता है पर तुम्हारी मॉम को तो बता देना चाहिए तुम्हें। स्योकरो जाकर उसके बाजू में बैठ जाती है। अचानक वो उसका गला पकड़ लेती है और कहती है मेरी मॉम ने ही तुम्हें यहाँ भेजा है ना। अब अगली सुबह मीसुक स्योकरो के फियांसे को कॉल करती है। उसे जानना होता है कि उन दोनों के बीच क्या हुआ है मगर वो फोन नहीं उठाता। तभी स्योकरो आती है। उसे देखकर मीसुक फोन छुपा लेती है। स्योकरो मीसुक से पूछती है क्या तुम स्योंग्यो के सेरेमनी में जा रही हो। मीसुक कहती है हाँ। वो कहती है तुम भी आ रही हो क्या। स्योंगरो कहती है हाँ, मगर उसकी मॉम को देखकर वो समझ जाती है कि उसकी मॉम नहीं चाहती वो आए। स्योकरो कहती है नहीं मैं घर पर ही रहूंगी। तभी वो अपनी मॉम का फोन देखती है। उसे पता चल जाता है उसकी मॉम ने उसके फियांसे जिन को कॉल किया था। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। वो उसके मोबाइल में से जिन का नंबर डिलीट कर देती है और कहती है दोबारा उसे कॉल मत करना। वहीं स्योंगो और म्योंग एक इंटरव्यू के लिए जा रहे थे। रास्ते में वो देखते हैं जो रिपोर्टर इंटरव्यू लेने आ रहा था वो रास्ते पर किसी लेडी का सामान उठा रहा था। स्योंगो भी उसकी मदद करता है और वो दोनों उस लेडी का सामान वहाँ छोड़ आते हैं जहाँ उस लेडी को जाना था। यहाँ स्योकरो बस में होती है। उसे याद आता है कंपनी ने उसे खुद निकाल दिया था ये कहकर के वो सब काम खुद करती है और उसे बहुत ईगो है। परेशानी में स्योकरो अपने फियांसे जिन को कॉल करती है मगर वो कॉल नहीं उठाता। कुछ टाइम बाद वो एक पार्टी में देखती है कि जिन एक लड़की को किस कर रहा है। स्योकरो यही सब सोच रही होती है। वो लास्ट स्टॉप पहुंच जाती है। वो बस से उतरती है और वापस उसी बस में चढ़ जाती है। वहीं स्योंगो का इंटरव्यू होता है। घर पर हेसुक स्योंगो के पापा से कहती है क्या तुम अपनी बिजनेस ट्रिप आगे नहीं कर सकते, स्योंगो की सेरेमनी है। मगर वो मना कर देते हैं और कहते हैं मैं फ्लावर्स भेज दूंगा। वहीं स्योकरो एक प्लांट लेती है। वो घर आकर स्योंगो को वो देती है और कहती है ये मैं तुम्हारे सेरेमनी पार्टी के लिए लाई हूँ, मैं आ नहीं पाऊंगी क्योंकि मैं बहुत बिजी हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह मीसुक रेडी होती है।
वो अपना ब्रुज ढूंढ रही थी, उसे नहीं मिलता। सियोक्रो भी उसका ब्रुज ढूंढने में मदद करती है पर उसे भी नहीं मिलता, तो मिसुक चली जाती है। वहीं सभी सेरेमनी में पहुंचते हैं, वो लोग ऑफिस देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। तभी हेसुक के बाकी दोस्त भी आ जाते हैं। बातों बातों में वो लोग मिसुक को नीचा दिखाने लगते हैं सियोक्रो की शादी टूटने पर, मगर हेसुक और जेसुक सभी को शांत करवा देते हैं। कुछ देर बाद सियोंगो को अपने डैड का कॉल आता है, वो उसे कॉन्ग्रेट्स कहते हैं। सियोंगो बाहर होता है तो वो वहाँ सियोक्रो को देखता है। वहीं मिसुक वॉशरूम में होती है, वो बाहर लेडीज की बातें सुनती है। वो कहते हैं आज मिसुक का चेहरा देखने लायक था, वो पैसों की वजह से कॉलेज नहीं जा पाई तो अपनी बेटी की सक्सेस को अपनी सक्सेस समझने लगी है। वैसे भी उसकी बेटी की भी सक्सेस अब नहीं रही, उसकी एंगेजमेंट जो टूट चुकी है। मिसुक को ये सब सुनकर बहुत गुस्सा आता है। वहीं सियोक्रो सियोंगो के साथ होती है, वो कहती है मेरी मॉम को बुला दो, मुझे कुछ काम है। सियोंगो कहता है सब ठीक तो है ना, सियोक्रो कहती है हाँ। सियोंगो कहता है मैं बुलाता हूँ और चले जाता है। तभी मिसुक वॉशरूम से निकलती है और वो सियोक्रो को देखकर हैरान हो जाती है। सियोक्रो कहती है तुम्हारे जाने के बाद मुझे ये ब्रुच मिल गया, मैं यही देने आई हूँ। मिसुक वो लेकर पॉकेट में रख देती है और कहती है जाओ यहाँ से वरना सब तुम्हें देख लेंगे। सियोक्रो कहती है कि तुम्हें मेरे होने से शर्म आ रही है। तभी बाकी लेडीज भी आ जाती है, मिसुक सभी को सियोक्रो से मिलवाती है। वो कहती है मैंने कहा था ना ये US में काम करती है, इसने वो जॉब छोड़ दी, अब ये इससे भी बड़ी कंपनी में काम करने वाली है, कुछ दिनों में ये वापस US जाएगी, वही इसका घर है। सियोंगो भी दूर से सब सुन रहा था। घर आने के बाद सियोक्रो कहती है तुम झूठ बहुत अच्छा बोल लेती हो, पहले से सोच कर गई थी क्या? मिसुक कहती है मैंने कोई झूठ नहीं बोला है, तुम वापस जा रही हो, मैं टिकट बुक कर रही हूँ। सियोंगो कहती है तुम चाहती थी ना कि मैं यहाँ वापस कभी ना आऊँ, इसलिए तो तुमने मेरे कमरे को स्टोरेज बना दिया। मिसुक कहती है सही कहा, तो जाओ यहाँ से। वो उसका सूटकेस लेकर नीचे फेंक देती है। सियोंगो कहती है मुझे वापस नहीं जाना, मगर मिसुक उसकी कोई बात नहीं सुनती। वो कहती है मैंने कितनी मुश्किलों से तुम्हें बड़ा किया और इस मकाम पर पहुंचकर तुमने मुझे ऐसे धोखा दिया, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? सियोक्रो कहती है कि तुम मेरा साइड नहीं ले सकती, तुम्हें पता है मैं कितनी मेहनत से काम कर रही थी, तो क्या तुम मुझे ब्रेक लेने नहीं दे सकती? मिसुक कहती है वही तो है, तुम इतनी मेहनत से सब कर रही थी तो मैं कैसे तुम्हें छोड़ने दे सकती हूँ, तुम मेरी खुशी और घमंड हो। सियोक्रो कहती है क्यों मैं तुम्हारा घमंड हूँ, क्या मैं सिर्फ तुम्हारी डॉटर बनके नहीं रह सकती? क्यों तुम्हारी जिंदगी में जो छूट चुका है उसकी भरपाई मैं कर रही हूँ? ये कहकर सियोक्रो वहाँ से चली जाती है। सियोंगो बाहर ही होता है, वो सब सुन लेता है। सियोक्रो जाकर पार्क में बैठती है, सियोंगो उसके पीछे आता है। वो दोनों एक झूले के ऊपर जाकर बैठ जाते हैं और बातें करने लगते हैं। अचानक बारिश गिरने लगती है, सियोंगो जाकर छाता लाता है। वो दोनों अम्ब्रेला के नीचे बैठे होते हैं। अचानक सियोक्रो कुछ भी बातें करके हंसने लगती है। सियोंगो अम्ब्रेला बंद कर देता है और कहता है अपने आंसू छुपाने के लिए जबरदस्ती हंसो मत। ये सुनकर सियोंगो जोर जोर से रोने लगती है। वहीं मिसुक को भी समझ आ जाता है कि वो गलत कर रही थी सियोक्रो के साथ। वो उसका सूटकेस उसके कमरे में रख देती है और वहीं बैठकर जोर जोर से रोने लगती है। मिसुक को भी अपनी गलती का पछतावा होता है। यहाँ सियोक्रो शांत हो जाती है और बारिश भी रुक जाती है। वो सियोंगो से कहती है मेरी मॉम मुझसे नफरत करती है। वो कहता है तुम भी तो करती हो, मगर हम उनसे तब तक नफरत नहीं कर सकते जब तक हम उनसे प्यार ना करें। तभी सियोंगो टूटता तारा देखती है और वो विश मांगती है। सियोंगो भी विश मांगता है। अगले दिन मिसुक देखती है सियोंगो घर पर नहीं है। कुछ देर बाद वो घर आती है, उसके पापा उससे कहते हैं आओ खाना खा लो, मगर सियोंगो मना कर देती है। वो अपने रूम में जाती है तो देखती है उसका रूम जो कि स्टोरेज बन चुका था वह वापस से एक बेडरूम बन चुका है।
स्योक्रो खुशी खुशी नीचे आती है। उसके पापा बताते हैं तुम्हारी मॉम ने ये स्योंगो से करवाया है। स्योंगो खुद पूरा कमरा सजाता है। अब वो सभी खाना खाते हैं। स्योक्रो देखती है उसकी मॉम ने वो ब्रुज भी पहना है। वो सभी खुशी खुशी लंच करते हैं। मिसुक भी अब खुश थी। रात में स्योक्रो सोने आती है तो वो ऊपर सीलिंग पर स्टिकर्स देखती है, वैसे ही जैसे उसने स्कूल टाइम पर खुद लगाए थे। स्योंगो ने पूरा कमरा बनने के बाद खुद ये स्टिकर्स चिपकाए थे। स्योक्रो बहुत खुश हो जाती है और स्योंगो को कॉल करती है। बातों बातों में वो विंडो खोलती है तो देखती है स्योंगो उसके सामने वाले कमरे में है। स्योक्रो कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? स्योंगो कहता है मैं वापस यहाँ रहने आ गया हूँ। स्योक्रो को याद आता है जब वो स्टिकर्स लगा रही थी तो वो गिरने वाली थी और स्योंगो उसे पकड़ लेता है। वो दोनों भी बेड पर गिर जाते हैं और एक दूसरे के काफी करीब हो जाते हैं। यहीं ये एपिसोड एंड होता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।